हेलो, ब्रीफकेस मेरे पास है। इसमें बहुत कीमती चीज़ है, मैं तुझे दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। अच्छा जल्दी आ, ब्रीफकेस तेरे वाले करना है, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। ब्रीफकेस मोड़ा, उसमें तो कम से कम 20-25 लाख का माल तो होगा, क्योंकि 7 लाख की तो गाड़ी है उसके पास। यार मड़ा मारे पास आएगा कितना मजा, लेकिन ये डकैती में सारा अंजाम देगा। मैं पहले जाता है, उससे ब्रीफ केस लाता है और देखना मेरी पाठान की बहादुरी, देखना किसी की जरूरत नहीं। तू इधर ही सबर कर, सही डंडा भी पकड़ो। मुझे जिस डंडे की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना है, मतलब पंजा है, पंजा मैं अभी आया। कैसी गुब्बार है? चुपचाप है, ब्रीफ केस मड़ा मेरे हवाले कर दे। शाबा शाबा, ब्रीफ केस के साथ साथ तुझे मैं कुछ और भी दूंगा। बस सही, ये तुम क्या करते हो? मैंने अदा तुमको बोला था कि डंडा लेके जाओ, पर तुम तो भाई, अब क्या करना है? अभी हमसे नहीं होगा, ये ब्रीफ केस हाथ से नहीं जाना चाहिए। मड़ा बहुत महंगी चीज है, जिंदगी बदल जाएगी हमारी। अब अपने उस्ताद को बुलाना पड़ेगा। चील से तेज निगाहें, चीते से तेज रफ्तार, शेर से ऊंची दहाड़। बाबा साईं, गुलखान साईं, ये छा है, ये तो लोबिया का दाल है, इसको बांध के रखो, ये उड़ जाएगा, उड़ सफा। ओए चुप कर, चुप कर उस्ताद है, मेरा आ गया ना, फिर छोड़ेगा। हाँ। ब्रीफ केस यही लाएगा, देख यही लाएगा। हेलो, अच्छा देखते हैं। गुलखान, गुलखान। स्कोरी, स्कोरी। पोजी भाई। जी जी। उधर उधर ब्रीफ केस में 50 लाख का माल है। 50 लाख का मुझे बहुत माल है। हैं, किसने मारा? ये वाला मारा सर न्यानी। कम यो दे। यो दे। किधर है? किधर है? ओ गाड़ी में उधर। ओ। बाबा साईं, तुमने तो 20 लाख का बोला था, ये 50 लाख कहाँ से आ गया? अभी अभी हेडलाइन है, डॉलर महंगा हो गया, इसलिए वो 50 लाख हो गया। छोड़ो, उसको लाने देना। चुपचाप ये ब्रीफ में केस मेरे वाले कर दे। हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ। Yeah.
ऑडरी को पकड़ना यहाँ पॉसिबल है, किसी भैंस में इतना दूध नहीं कि वो आम को पकड़ सके। इधर लाओ ना। ऑडरी साथ मड़ा किधर चला गया था यार? हम इधर ही था यार, वो बस क्या करेगा, अभी इसमें क्या निकलेगा? चलो इसको खोलते हैं ना। ऑडरी भाई चेक करा, छोड़ो सबर करो ना, मैं देखा अपनी टेक्नोलॉजी हम आ रहे हो, अपनी टेक्नोलॉजी मैं चेक कर रहा हूं। खोलो ना मड़ा। क्या हुआ उस्ताद? कुछ नहीं कुछ नहीं, चेक करो इसे खोल के। क्या हो रहा है? चेक करो, तुम भी चेक कर लो। चेक करो यार, वो यार इसमें से तो करंट लग रहे है। वैसे एक बात करनी, तुमको भी यही ब्रीफकेस मिला था, कुछ और चुरा लेते। इसमें देखा था सारी इंफॉर्मेशन गलत पकड़ा दी, अभी कितना कीमती हो गई है, इसमें करंट लग गया, करंट ना लग जाए। वही ना, क्या इसको कुछ करना पड़ेगा, किसी से खुलवाना पड़ेगा। कोई मिस्त्री शिस्त्री नजर में पड़ रही भाई? मिस्त्री है मेरे पास, डबल बैटरी बहुत ही हैवी, वो ऐसे ऐसे चाबियां बनाता है ना, वही वाला कौन सा? अबे पता नहीं है तो क्यों पूछ रहे मेरे से? वही वाला मुझे क्या पता कौन सा, वैसे किसकी बात कर रहा था? अरे वो डबल बैटरी। ओ डबल बैटरी, चलो उसके खोल लेगा वो। खोल लेगा, उसके पास जाते हैं, इसका पूछते हैं करंट का क्या लोचा। अरे ले एक मिनट, ओए आग ना लगा। इसमें से जो माल निकलेगा उसका 80% मेरा, 20% तुम दोनों का, ठीक है उस्ताद जी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको उठाओ, निकलो, चलो चलो चलो। दो चाय लगा वाला। बॉस अस्सलाम वालेकुम। बॉस इधर तो बारिश हो रही है, अंदर चलते हैं। अंदर वो देखे, वो सलाम कर रहे हैं। नहीं वो चाय के पैसे हैं तेरे पास? क्या बात करते हो, ये देखो चाय आ गई है, चाय आ गई, चाय चाय। हाय 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 माशाल्लाह। बॉस अगर आप कोई भी मसला हो ना तो मुझे एक कॉल करना, वो अलग बात है कि मेरे पास मोबाइल, बस एक कॉल करना, बस फिर देखना। अरे मोबाइल नहीं है तो कॉल किस तरह करूंगा? ये इतनी चाय आ गई है, चाय चाय। बॉस आपको पता है ये एक दिन पेट्रोल पंप ये पूरा इस्लामाबाद मेरा होगा, बस आप मेरे साथ रहना, आपको भी मैं आगे ले जाऊंगा। अबे पहले अपना कद तो बड़ा, कद बढ़ता नहीं तेरा इधर पेट्रोल पंप खरीदेगा। बॉस कद की बात मत करो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बॉस पोटरी लोगों ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, ब्रीफकेस चुराया है, उसमें बहुत माल है, बहुत। अगर मेरे होते हुए ये ब्रीफकेस पोटरी के हाथ में चला गया, लानत है तुम दोनों पे। तो मेरे होते हुए? चुप कर, तू क्या उधर अंडे दे रहा था? बॉस वो तीन थे और मैं अकेला, क्या करता? तो मेरे उधर आदमी खड़े हुए थे यार। क्या करता है? इसको घर में सुबह रोटी नहीं देते और ये आदमियों की बात करता है। ये किसने ठिया लगाया? सब मेरे पैसे हैं। बॉस ये इसका ठिया? तेरे बाप ने भी कभी ठिया लगाया था? बॉस हमने जल्द ही वो ब्रीफकेस हासिल करना होगा, जल्दी जल्दी चाय खत्म करो। अबे जल्दी किस तरह करूं, गरम है। वो ब्रीफकेस तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। यार इधर तो हमारी यादें, हम बचपन में इधर ही पढ़ता था इधर स्कूल में। अब बाबा सही, ये तो लड़कियों का स्कूल है।
बॉस देखो लड़कियों का स्कूल छुट्टी होने वाली है बॉस, अभी पुंडी मार के चलते हैं। उधर लाखों का बैग उधर पोटली लेके भाग गए, तुझे पुंडी की पड़ी। वो है बे साले, बाबा अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाओ। झूलेलाल बाबा बाबा इसकी खोलनी है। क्या इसमें तो ग्राउंड है बाबा, इसीलिए तो तुम्हारे पास लाया हमसे, इसका खुल रहा नहीं है। इसको बोलो कोई दम से कोई तरकीब डालो। इसमें तो ग्राउंड है ना बाबा, सही हम क्या ले क्या तुम्हारे पास आते हैं? मैं इसका मैं कोई तो हमारा बताओ सबर एक मिनट बताओ एक शिन नोट लगेगा शिन सबर ये ले मैं चेक कर तू इसमें बाबा का ज्यादा मैं किया या दो है। उसकी माँ ने एक ही जमा था, दो किधर से? इसको खोलो कुछ तरीका जुगाड़ लगाओ। एक मिनट तुम तीनों किबले की तरफ खड़े हो जाओ, फिर दुआ जल्दी कबूल होता है। अच्छा चलो 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 बैग खोलने का नहीं तो इधर ही ठोक डालेगा, ठोक डालेगा। देखो उधर इस टाइम तो तारे निकलते हैं, सूरज चांद गुरूब होता है। ओ दिन है दिन है दिन है। पोटली बाबा ये खोल देगा, ये सही बंदा नहीं खोलेगा ना, नहीं खोली तो इसकी खोल देंगे। खोपड़ी खोपड़ी मड़ा ये कि इतने टाइम तक बंदा तरावी पढ़ ले बाबा, इस टाइम तो बच्चे भी हो जाते हैं। बंदा गायब भाग। रुको बाबा, तुझे बैग खोलने के लिए दिया था, तू तो हमारी खोल के चला गया। रोक साले, छोड़ूंगा साले, रोक मैं बोल रहे हैं नहीं छोड़ेगा तो पकड़ो इसका, पकड़ो भागो भागो भागो। वो देखो पोटली बैग लेके भाग रहा है, पकड़ाओ अबे साले, मुझे नहीं उसको पकड़ो। मेरा लेके भाग क्या? क्या तेरा नहीं तुम्हारा बैग? अभी हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं सारे। सालो अब तो वार हो के रहे, जंग करेंगे बहुत बड़ी। ये ये किस में फंस गया था? रेत ही रेत है, रेत है, अंधेरा था। छोड़ोगे नहीं साले को, पकड़ो पकड़ो वे। क्या बोलता है जाने? सांप किधर? अबे ये तो नारा है, नारा निकला ब्रीफ कैसे? अबे ये क्या? अबे इधर उधर ये इधर ओ
सन 1885 की बात है, एक राजा शुम्पड़ुक रहता था। वो इस नाड़े का बेदर्दी से इस्तेमाल करता। ये शाही नाड़ा है, इसको लोग घोड़े बांधने के लिए इस्तेमाल करते थे, खोते भी कभी कभी डाल देते। तू देख ले, तू देख ले, पढ़ा था, पढ़ो ना, पढ़ो ना, क्या कर। ये नाड़ा मड़ा बहुत खास है, ये शाही किले से धागे से बनाया गया है। इसे आगे पढ़ 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 पढ़। ये नाड़ा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, बहुत सारे महाराजाओं ने अपनी सलवारों में यही नाड़ा इस्तेमाल किया। क्या बात कर रहे हो। ये बादशाह अकबर में नाड़ा डालने के लिए 3 बंदे स्पेशल रखे हुए थे। बादशाह अकबर में, हाँ हाँ, बादशाह अकबर के सलवार। क्या बात कर रहे हो। पकड़ा पकड़ा, पढ़ो आगे, पढ़ो जल्दी करो। माँ के मरने से पहले माँ ने कहा था ये उसका पोता, वो शिद्दत से इस्तेमाल करेगा। इस नाड़े से बहुत सी जंगें लड़ी गई, इस नाड़े के साथ बहुत सी लाशें लटकाई गई। इस नाड़े की असल शुरुआत सिंध से हुई थी, मोहनजोदड़ो से। इस नाड़े का ख्याल, खास ख्याल रखना है, ये बहुत कदीम नाड़ा है। अच्छा जी। पढ़ रही सही, क्या हुआ, फुल स्टॉप है कहानी, खत्म हो गई। पूरे इमोशंस की, यार बड़ा अफसोस की बात है, एक नाड़े के लिए हम सारे भाई आपस में लड़ रहे थे। किसके पीछे हम लड़ रहे थे। वैसे बहुत काम की चीज है, दर्जी को नया सूट दिया, काम आएगा। ओ, 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 भाई इधर मेरा सुना, नाड़े पे जंग छिड़ेगी। चल स्टार्ट है। चल स्टार्ट है। चुपचाप ये ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दे। इसीलिए तो आपके पास लाए, हम पागल थे जो। खोलो इसको, खोलो इसका। चल स्टार्ट है। किबले की तरफ खड़ा हो जाओ, किबले की तरफ कबूल हो जाओ। चल फेंक, नहीं नहीं नहीं। सन 1885 का वाक्य है कि राजा सापर नामी एक राजा रहता था। तो सन 1885 की बात है, एक राजा गोछड़ होता था। आगे नजर नहीं आ रहा, पढ़े। वो इस नाड़े का शिद्दत से इस्तेमाल करता था। वर्ल्ड वॉर 2 भी इसने जीतवाई थी नाड़े में। उनकी अम्मियां भी नाड़ा इस्तेमाल करती थी। तो बहुत खतरनाक है वो। ये तो माँ का नाड़ा था। नाड़े के साथ हथियार बंद करते थे। इसके साथ कौन कौन से हथियार बंद? एंगल चेंज करो। क्लैशन को हथियार बंद करते थे। वही नाड़ा जिससे सन 1885 की बात है, एक राजा शुम्पड़ुक रहता था। वो इस नाड़े का बेदर्दी से सन 1985 की बात है कि ये नाड़ा राजा शुम्पड़ुक खान ने एक बंदे अपने चलो क्या सन 1885 की बात है कि राजा शुम्पड़ुक ने ये नाड़ा बहुत ही कीमती नाड़ा ये लिया था। उसने घोड़े बांधने के सही था, सही था। माइक आगे कर यार, माइक नहीं नहीं रेडी रहो, पता यार आप।